हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। एक्सरसाइज 5.2 ही चल रही थी हमारी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग दिए थे, पर मैंने कहा चलो एक दे दिया, नहीं तो मैं एक बार करवा भी देती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 30 से आगे सारे इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने। 13 है, हाउ मैनी थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। थ्री डिजिट हमने ढूंढने हैं, थ्री डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। थ्री डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कितने हैं। तो पहले देखो ना, थ्री डिजिट जैसे 99 है, तो टू डिजिट हो गए, 100 से शुरू हो जाएंगे थ्री डिजिट वाले, कहाँ तक जाते हैं कि 1000, तो 4 डिजिट आ गए, तो 999। यानी कि हमारे पास सीरीज क्या है थ्री डिजिट वाली, 100 to 999। और इसमें से हमने ये ढूंढने हैं कि 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ढूंढना है, सीरीज बनाएंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं। सबसे पहले एक नंबर ढूंढते देखें, ये 100, इसको हमने 7 से डिवाइड किया, 7 × 7 = 3, 0, 7 = 28। अब 2 एक्स्ट्रा है, हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें से 2 माइनस कर दें तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो 2 डिजिट का बन जाएगा। अगर ऐड करें तो नहीं होता। क्या करते हैं, इस 7 में से 2 को माइनस करते हैं 5, उस 5 को इस 100 में प्लस करते हैं, ये 7 से डिवाइड होता है। एक तो ये मेथड है, या ये नहीं जा रहा 2 माइनस करें पर 2 डिजिट बने, इसका मतलब एक नंबर आगे वाले पे जाएगा, 15 पे जाएगा, 15 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 35, 5 पे जाएगा 15, तो ये 5, फिर ये वाला 5 इसमें ऐड कर, ये इस तरह से आपको जो आपको इजी लगता है। तो हमारे पास पहला नंबर आना चाहिए, सबसे पहला नंबर हमने ढूंढ लिया 105, जाता है ना 115, 7 × 105, 105। ये पहला नंबर चाहता है। सेकंड कैसे होगा, इसमें 7 ऐड कर दो, 100 + 5 + 7 = 112, और इसमें 7 और ऐड कर दो, 190। एंड अब लास्ट का नंबर ढूंढना है, लास्ट के नंबर के लिए भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं, 999 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 × 7 = 21, 9, 7 × 14 = 5। अब ये 5 इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐड करते हैं तो फिर वो 4 डिजिट हो गया, हमने माइनस कर देना, ये एक्स्ट्रा हमारे पास, इसमें से ये 5 माइनस करेंगे 994, तो हमारी लास्ट क्या आएगी 994। ये हमारे पास सीरीज बन गई, ये सीरीज बनाने का भी अलग से हमें नंबर मिलते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है बोर्ड में, तो ये सीरीज बनाने का भी नंबर मिलता है। सबसे पहले सीरीज बनाते हैं, जब आपसे पूछा जाए हाउ मैनी डिजिट्स आर डिविजिबल बाय दिस, डिविजिबल बाय दिस, कुछ भी आता है, तो ये आपके पास सीरीज बन गई, ए सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, इट इज लास्ट। अब ये कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी है, 100 है, 200 है, कितनी, ये देखना है। तो इसमें सबसे पहले यानी कि क्या निकालना है हमने, एन। अब ए क्या गिवन है, 105, बी क्या है, 112 - 105 = 7, और ये क्या है, ए एन = 990। और निकालना क्या है, एन। अब मेथड आपको पता ही है, कोई नई चीज नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में ये कर चुकी हूँ। अब इसके आगे ना भी बताऊँ तो चलेगा, बट मैं इस क्वेश्चन में बता रही हूँ, ए इज 105 प्लस एन, वी हैव टू फाइंड एन, बी इज 799। नाउ 105, 7 × 7 = 7n, प्लस माइनस माइनस, 7 × 7 = 994। 105 में लाइक टर्म को सॉल्व करते हैं, 105 में से 7 चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 98 + 7n = 994। अब 7n = 994 में से ये 98 माइनस, तो क्या आ जाएगा, ये 7n = इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 896। अब n = 896 / 7, 7 × 7 = 7, यानी कि हमारे पास 128 नंबर्स हैं जो 3 डिजिट्स वाले हैं और 7 से डिवाइड। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, मीन्स 3 डिजिट नंबर 128 है,
नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ टर्म्स, 128 टर्म्स ऑफ थ्री डिजिट विच आर डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है। इसी तरह से आपको कई आ जाता है, कई बार आ जाता है फोर डिजिट का बताओ, उसको सेवन से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर भी बचता है, इस तरह से भी। सबसे पहला काम है सीरीज बनाना, इसका आपको वन मार्क्स मिलता ही मिलता है। सो जब सीरीज बना लोगे आगे तो आपका फाइव पॉइंट टू कंसेप्ट वही का वही है, कोई मुश्किल नहीं है। सीरीज बनानी है वो ध्यान से समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाई बिटवीन 10 to 250। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी, जब भी आप ये करो कोई भी काम तो आपके पास बुक खोली होनी चाहिए और वीडियो देखते हुए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए करना है, पॉज कर करके देखना आराम से। 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाई बिटवीन 10 to 250। अब 10 to 250 के बीच में 4 के मल्टीपल, अब बड़ी सिंपल सी बात है, 10 तो 4 के टेबल पे जाता नहीं है, 10 के आगे 11 जाता है नहीं, कर जाता है। तो सबसे पहले तब अब 4 से मल्टीपल है, 4 डिजिट डी, हमारे पास 4 हो गया, ऐड कर दीजिए 12 + 4 = 16, 16 + 4 = 20। अब लास्ट वाला ढूंढना है, वैसे तो पता भी चल जाएगा 250 को, 4 6 = 24, 4 2 = 8, 2 extra आ गया 250 में से 2 माइनस कर दो 240 है, यानी कि लास्ट में क्या आ गया 250। बन गई सीरीज, बिंदु पहले क्वेश्चन की तरह से आपके पास ए क्या है 12 है, बी क्या है 4 है, ए एन क्या है 240 है, आपको एन बिंदु वेरी सिंपल कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी मैंने 13 लिखा है, ठीक है। अब देखिए 15 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में मेरे मुझसे इंपॉर्टेंट निकलता जाएगा, आपने बड़े अच्छे से इनको करना है। 15 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू है, आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपिस, दो एपिस दी हैं, दोनों की nth टर्म की एन क्या है, क्या समझिए, ये है 63, 65, 67 और दूसरी एपिस है 3, 10, 7। अब उसने क्या कहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की कौन सी वैल्यू है, आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपिस आर इक्वल, यानी कि इस जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड सेकंड थर्ड इसके कौन से नंबर पर कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जो आपस में इक्वल होगी, यानी कि मान लो ये एक्स है, कौन से नंबर पर ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, मान लीजिए n नंबर, तो क्या करते हैं, लेट इसकी an इसकी an के इक्वल। अब इस क्वेश्चन में a क्या है 63, b क्या है 2, इधर a क्या है 3, b क्या है 7। अब ए एन इक्वल होगी, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसको मैं ब्लॉक में लिख रही हूँ और इधर भी ब्लॉक में लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूज हो, इसमें ए क्या है 3, बी क्या है 7, इसमें ए क्या है 63, बी क्या है, इसमें वैल्यू लगाते हैं, ए क्या है 60 प्लस एन माइनस वन, बी क्या है इक्वल है, ए क्या है एन हमें नहीं मालूम, बी क्या है 7। अब दोनों का एन सेम कौन से नंबर पर आ गए, अब इसे सॉल्व करें, 63 प्लस 2 एन माइनस 2, इधर 3 प्लस 7 एन माइनस एन। अब आपने इसमें से एन की वैल्यू निकालनी है, अब कैलकुलेशन मैं इसको पहले सॉल्व कर दूंगी उसको इधर कर दूंगी, ये आपका अपनी चॉइस है, यानी कि मैडम ने ऐसे बताया था हम तो ऐसे करते हैं, आपने एन की वैल्यू निकालनी है, कहीं इसी एन को डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, कई बार इसको पहले यहाँ सॉल्व करते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। 63 में से 2 गए 61 प्लस 2 एन इज इक्वल टू 7 एन और 3 माइनस एन माइनस 2, अब एन को ट्रांसफर कर दिया, इस 7 एन को इधर ले आएंगे माइनस 7 एन माइनस 4, अब 61 को करेंगे तो माइनस 61 माइनस 5 एन माइनस 65, तो यहाँ एन इज इक्वल टू 65/5 एन इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 पर, इसमें भी 30 पर 30
13 नंबर पर दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम। इज इट क्लियर? अच्छे से समझना इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, मैंने पहले ही बताया जैसे जैसे स्टेटमेंट में है वैसे वैसे लिखते चले जाओ और करते चले जाओ, बहुत सिंपल है। क्या कहा गया 16 में देख लीजिए, डिटरमाइन द एपी हूज थर्ड टर्म इज 16। जैसे कहा गया थर्ड टर्म इज 16 बन गई थी क्वेश्चन, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से बाय टर्म। वेरी सिंपल, क्या है इसमें ए प्लस टू बी, और निकालना क्या है इसमें, डिटरमाइन द एपी, हमने एपी सीरीज बनानी, यानी आपके पास ए और डी आ जाए तो एपी सीरीज बन जाएगी। हमने इसमें से ए और डी निकाले, ए प्लस टू इज इक्वल टू 16, और इधर क्या करते हैं ए प्लस 60 इज इक्वल टू ए प्लस 4d प्लस 12, यहाँ से डी की वैल्यू निकल आएगी ए प्लस 60 माइनस ए माइनस 4d इज इक्वल टू 12, ए विल बी कैंसिल, 60 माइनस 4d 2d इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 12 बाय 2, डी इज इक्वल टू 6, डी आ गया। अब निकाल कर दीजिए ए प्लस 2 इक्वल यहाँ 6 इज इक्वल टू 16, ए प्लस 12 इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू 16 माइनस 12 ए इज इक्वल टू 4, ए आ गया डी आ गया, बना लीजिए 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16 बन गया 6, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, 17th क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी देख लीजिए, तरह से क्वेश्चन आ जाता है 2-3 मार्क्स में 17th। क्या कहा गया, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, वेरी सिंपल 3, 8, 13, 2, 53, इसमें 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है, ये निकालनी है, बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले लिखते हैं ए 3 है और डी क्या है 8 - 3 5. अब हम लिखते हैं ए फ्रॉम लास्ट, पीछे से ए क्या है 253, बी फ्रॉम लास्ट, अब देखिए इधर से देखा तो प्लस का 5 है, जब आप पीछे से देखेंगे तो वो माइनस 5, इज इट क्लियर, ये ध्यान रखना है। और हमने क्या निकालना है ए 20th फ्रॉम लास्ट, तो ए प्लस 19 भी, ये तो फॉर्मूला वही क्या भैया, अब इसमें ये ए नहीं लगाएंगे, हम पीछे से देख रहे हैं तो लास्ट वाला लगाएंगे 253 प्लस 19, अब डी पीछे वाला लगाएंगे माइनस, क्लियर, 253 माइनस 95 क्या आ जाएगा 158, यानी कि पीछे से 20वें नंबर पर जो टर्म आएगी दैट इज 158, क्लियर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन और अभी थोड़े से बताऊंगी, यू विल डू योर सेल्फ 18-19 पर किसी पर बता रही हूँ, बहुत सिंपल है क्योंकि ऐसे आप कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 17 18 देख लीजिए क्या कहा गया है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ द एपी इज माइनस इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स एंड टेन टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। अब मैं सिर्फ हिंट दूंगी, तुम करोगे, क्या लिखा गया फोर्थ एंड एट टर्म, ए फोर ए एट इज 24, अब यहां से बन जाएगी ए प्लस 3d ए प्लस 7d 24, ए एंड ए 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। दूसरा क्या कहा गया है, सम ऑफ सिक्स एंड टर्म, सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44, अब यहाँ पर भी ए प्लस 5d ए प्लस 9d 44, ए एंड ए 2a प्लस 14d 44, अब ये देखो ए पी, अब बन गई लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप ए और डी निकाल लोगे, जब ए और डी निकालोगे तो ए पी सीरीज भी बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आगे खोल करोगे। अब 19th क्वेश्चन में देख लीजिए, 19th में क्या कहा गया है, सुभाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच
ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम इंक्रीज रुपीज 7,000। क्या कहा है, शुभा राव 1995 में अपनी सर्विस स्टार्ट करता है और उसकी एनुअल सैलरी स्टार्टिंग सैलरी क्या है 5,000। तो यानी कि ये क्या हो गया रुपीज 5,000। सिंपल। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, यानी कि ये डी हो गया रुपीज 2। ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम इज 7,000, एन 7,000, ये कब हो जाएगा, यानी कि यू हैव 5,000। नाउ यू कैन डू, ना कर सकते हो, कोई नई चीज नहीं है। क्लियर। 20th भी बिल्कुल ऐसा ही है, रामकली सेव्ड रुपीज 5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, देन शी रीच्ड इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। इन द एंड वीक हर वीकली सेविंग्स इज बिल्कुल ऐसा ही क्या, स्टार्टिंग उसका ए क्या है रुपीज 5, डी क्या है 1.75 और ए एन क्या है 20.75। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से आपको। ये जो क्वेश्चंस मैंने चैलेंजिंग किए थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। यू हैव टू डू विद माई वीडियोज, क्लियर, नीट एंड क्लियर, यू विल हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, बाय बाय।